कीमतों में तेजी का रुख बन गया है। अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं इस पर और अपडेट के साथ, और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन है एम सिक्योरिटीज की, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, 84 रूपये ऊपर है गोल्ड, क्या ये माना जाए कि आज के कारोबार में 30,800 तक का भाव गोल्ड में दिख सकता है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड में जो एक तेजी लौटी है, ये इसका पीछे रीजन क्रूड की तेजी है, साथ में जो इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है उसका असर यहां देखने को मिला है। हालांकि अगर हम देखें तो कॉमेक्स में भाव करीबन $1,257 के अराउंड चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा आज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्रूड की वजह से देखें तो कहीं ना कहीं एक बाइंग एक्टिविटी यहां देखने को मिली है, और थोड़ा जियो पॉलिटिकल टेंशन जो हमने देखा है वो थोड़ा सा यहां पर सपोर्टिव है। तो हो सकता है कि आज के सेशन के लिए पर्टिकुलर इंट्राडे की बात करें तो गोल्ड में एक बाउंस बैक और देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 30,750 का लक्ष्य यहां पर देखने को मिलेगा। कोई तेजी आई है अनुज, और ये जानना चाहते हैं कि क्या 5,000 का लेवल ग्वार में दिख सकता है, आपको कैसा आउटलुक दिख रहा है ग्वार का? देखिए, सबसे बड़ी बात क्रूड में तेजी है, और हमने देखा है कि आज इसमें करीबन 4% के आसपास की अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली है। एक बड़ी चीज यहां पर नोटिस करने को मिली है कि जो वॉल्यूम्स आज देखे हैं वो अगर हम पूरे ही कॉन्ट्रैक्ट को देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज देखने को मिले हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो बाइंग एक्टिविटी है वो यहां पर देखने को मिली है, और वॉल्यूम के साथ जब भी बाइंग होती है तो आगे एक्सटेंड जनरली होती है। तो मुझे लगता है कि जो करंट भाव चल रहा है 3753 के आसपास जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है कि अभी और एक्सटेंड हो सकता है भाव ऊपर, और इनिशियली हमें लगता है कि करीबन 3850 से लेकर 3900 रुपये तक के लेवल यहां देखने को मिल सकते हैं। 5000 का रेट बहुत दूर है, उसको हम टारगेट नहीं करेंगे, इनिशियली हम 3900 से लेकर 4000 तक के लेवल को हम टारगेट कर सकते हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे अनुज, पहले तो आप ये जरा अगर वो कर पाए कैलकुलेशन कि 200 के भाव पर इनकी बाइंग है, करीब करीब 5 रूपये ऊपर है, तो कितना इनको मिल रहा है 32 लॉट पे? 2 लाख रूपये आसपास। चलिए, आपको बधाई हो, 2 लाख का शानदार मुनाफा आपको, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि किस लेवल पे ये एग्जिट करें और क्या आगे कुछ शॉर्ट करने का मौका इसमें बनेगा? देखिए, नेचुरल गैस में देखें तो हालांकि मार्केट गैप से खुला था, वहां से थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो करीबन 260-208 एक रेजिस्टेंस जोन है, मुझे लगता है कि वो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि नेचुरल गैस में करंट लेवल्स पे अगर इनकी पोजिशन है या तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने 203 रूपये का, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार ये 205-206 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो रेजिस्टेंस जोन है, वहां से मार्केट एक बार नीचे करेक्ट हो सकता है। धन में एक बड़ी तेजी आज अनुज गुप्ता हमने देखी है, क्या ये मोमेंटम तिलहन का आगे आप कंटिन्यू देख रहे हैं? देखिए, अगर हम पर्टिकुलर रिफाइंड सोया की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम रहेगा, क्योंकि हमने एक काफी गिरावट के बाद इसमें एक अपसाइड मोमेंटम देखा है, और जो कि वॉल्यूम्स के साथ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो करीबन 753 के अराउंड चल रहे हैं, एक्सपेक्टेड है कि 758-760 तक ये रैली जा सकती है। और अगर हम सोयाबीन या आरएम सीड की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें सलन राइज अगेन देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम इसकी प्रोडक्शन देखें या जो एरिया है और जो हमने बारिश देख रहे हैं जो अब आती हुई स्क्राइड हो रही है, तो मुझे लगता है कि उसका थोड़ा सा नेगेटिव असर हो सकता है। तो हो सकता है कि 1 या 2 दिन भाव थोड़े बढ़ सकते हैं, मगर सोयाबीन आरएम सीड में हायर लेवल से बिकवाली करनी चाहिए। रिफाइंड सोया मुझे लगता है कि थोड़ा पॉजिटिव रहेगा रिफाइंड सोया आपको लगता है, लेकिन क्रूड में क्या लग रहा है आपको अनुज? क्रूड में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, और हम देखें तो WTI ने ही अब 70 का लेवल ब्रीच किया है, करीबन 71 के आसपास चल रहा है, तो एक ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि क्रूड में जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव है, हालांकि आज इन्वेंट्री आनी है, बट हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा, और हो सकता है कि ऊपर में करीबन 4950 से लेकर 4980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 5000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल। एक बार मुझे लगता है कि बाय करता है तो 4950-4980 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये कॉल आपके लिए क्रूड के ऊपर अनुज की, इस पर आप नजर रखिए। लेकिन और ग्वार में क्या ये शॉर्ट करने का मौका बन रहा है अनुज? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब ग्वार में शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो हमने वॉल्यूम्स देखे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा आगे एक्सटेंड होगा, क्योंकि अगर हम आज के वॉल्यूम को देखें, पूरे कॉन्ट्रैक्ट के वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें तो आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए, अगर किसी की बाइंग पोजिशन है तो होल्ड करें, अदरवाइज फ्रेश बाइंग भी कल के ट्रेडिंग सेशन में कर सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे दोनों जानकार आज किस कमोडिटी में ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल? हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी, हमें लगता है सिल्वर में बाय कर सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 40,100 तक मिल सकता है, स्टॉप लॉस 39,200 लगा सकते हैं। आपकी रैपिड फायर कॉल, आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल क्रूड में बाय रहेगा, हमें लगता है क्रूड में बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 4800, टारगेट 4980 तक हो सकता है। चलिए, शुक्रिया अनुज आपका, और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही,
छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन ब्रेक के बाद